स्टूडेंट दिस क्वेश्चन केम इन आईआईटी जैम एग्जाम द डिजेनरेसी ऑफ थ्री डायमेंशनल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी 9/2 h nu इज क्वेश्चन मार्क प्लीज नोट दैट आंसर शुड बी एन इंटीजर यानी इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन में आया था ये. अब देखो क्वेश्चन में थ्री डायमेंशन लिखा हुआ है. वन डायमेंशन हार्मोनिक ऑसिलेटर में हमें पता है ई का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस हाफ इंटू एच बार ओमेगा. लेकिन थ्री डायमेंशन है सो वी हैव टू एड हाफ थ्री टाइम. हाफ कोरस्पॉन्डिंग टू वन डायमेंशन हाफ कोरस्पॉन्डिंग टू अनदर डायमेंशन हाफ कोरस्पॉन्डिंग टू स्टिल अनदर डायमेंशन. सो थ्री डायमेंशन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में एनर्जी का फॉर्मूला एन प्लस 3/2 इंटू एच क्रॉस ओमेगा एंड गिवन एनर्जी इज 9/2 h nu. 2π से नीचे मल्टीप्लाई 2π से ऊपर h ओवर 2π इज h क्रॉस यानी रिड्यूस प्लैंक कांस्टेंट. 2π न्यू न्यू इज क्वांटम फ्रीक्वेंसी 2π न्यू इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा. सो दिस इज वन दिस इज टू लेफ्ट हैंड साइड सेम. सो वी कंपेयर वन एंड टू. सो हियर h बार ओमेगा के साथ 9/2 यहाँ h बार ओमेगा के साथ क्या एन प्लस 3/2. सो सिंप्लीफाई एन विल कम अप टू बी 3 बट बी कॉशियस. नंबर ऑफ डीजनरेट एनर्जी लेवल फॉर एन इक्वल टू 3 इज नॉट 3. डीजनरेसी हमेशा 1 प्लस करते हैं. आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए. डीजनरेसी क्या होती है एन प्लस 1 सो 3 प्लस 1 यानी 4 आंसर. सो दिस इज ओके थैंक यू.